तोड़ी और लपटे निकलनी शुरू हो गई और पूरा ये जो है पूरा तकरीबन 60 बाई 70 का है हॉल ऊपर, ये पूरा आग से गिर गया है चारों तरफ से और हमारी 10 गाड़ी लगी हुई है आग के लिए। क्या माल पड़ा था अंदर? अंदर माल तो कपाट बना हुआ दिख रहा है अभी तो हमको, कोई बोल रहा है सिलेंडर है, कोई गैस कलर का गोदाम है, अब किसका गोदाम ये कोई मालूम नहीं पड़ा अभी। जैसे बता रहे कि ये घर है क्या आपके? नहीं, घर तो अंदर है, नीचे वाली बिल्डिंग में घर है, जूते वगैरह पड़े हैं, आदमी अंदर से निकल गया, कोई नहीं अंदर। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? 10 गाड़ी लगी हुई हमारी और 10 गाड़ी में दो तीन दिन जैसा ट्रिप किया हमारा, फोन भी डाला हमने, फोन से भी ये कंट्रोल नहीं हो रही है, अब जाके 5 आदमी अंदर घुसे और कंट्रोल हो गई है। करीब करीब भीषण आग कैसे? भीषण आ गई है, बहुत ही भीषण आ गई है, तीसरी मंजिल पे है ये। बंसीदास वैष्णव मेरा नाम है, वासनी बारमेर इंचार्ज हूं मैं। थैंक यू ओके सर, फायर ऑफिसर आए उनसे बात मिलेगी। गली नंबर 13 पास में सेकंड फेज में आग लगी है और मौके पे पहुंचे तो रहवासी मकान ऊपर है उसमें आग लगी हुई थी कोई शॉर्ट सर्किट से और दमकल वाले मौके पे पहुंच गए, आग पे काबू है। किसका मकान है? और ये मूल जी पोटलिया अपार्टमेंट रहने वाले हैं, उनका मकान है और नीचे गोदाम है, ऊपर रहवासी मकान है। आग लगने का खुलासा कुछ? आग शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्या माल पड़ा था गोदाम में? गोदाम तो नीचे है, ऊपर रहवासी मकान है, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और दमकल मौके पहुंच गए, आग पे काबू है अभी। कितनी दमकल? 5-6 दमकल पहुंच गए। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति आग पे काबू है। और कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बाद में। नाम बताओ आप। हाँ जी, आप नाम बता दो। मैं पास थाने से हेडमास्टर बाबू है।